Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. और अभी हम लोग करने जा रहे हैं ट्रेलर रिएक्शन ऑफ अटैक ट्रेलर 2 स्टारिंग जॉन अब्राहम. और फर्स्ट टाइम हम लोग एक ऐसी फिल्म मतलब हमको देखने को मिलेगी बॉलीवुड की तरफ से जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक सोल्जर को उसके अंदर चीजें फिट की जाती हैं. एंड इट्स लाइक जैसे कि कैप्टन अमेरिका है, सुपर ह्यूमन बनाने की चीज है, मतलब सुपर सोल्जर का हम कह सकते हैं. इट ही इज लाइक अ सुपर सोल्जर. और ट्रेलर 2 है ये, तो आई थिंक कि ट्रेलर 1 के कंपैरिजन में इसमें और चीजें हमको और एक्शन हमको देखने को मिलेगा. सो बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हम लोग एक इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ कभी इस तरह साइफाई मूवी बनी नहीं है और फर्स्ट टाइम एक इस तरह की साइफाई मूवी बनने वाली है बॉलीवुड में, मतलब आ रही है फाइनली. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ अटैक. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रेलर रिएक्शन. एंड दैट्स अ नॉकआउट. कैलकुलेटिंग डैमेज. 12 इंजर्ड. नो फेटालिटीज. जो भी हो जाए हमें बच के निकलना है. I can't get caught. Jump. Oh. Are you serious? Initiating jump. जो भी हो जाए हमें बच के निकलना है. तुम हमारे पहले ह्यूमन सब्जेक्ट हो. हम भी ये पैटर्न्स पहली बार देख रहे हैं. प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाओ. वी फ्लाइंग इन टर्बुलेंस. पर मेरे दिल में जो टर्बुलेंस हो रहा है उसका क्या? कैन आई ट्रस्ट यू सर? यस सर. मुझे सुना तेरा है क्या? शट. व्हाट? हमारी सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है. तुम किसी भी तरह उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर वहां क्या हो रहा है उसका एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा. इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन. 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड. हाई ग्रेड वेपन्स. वी नीड टू फिनिश दिस ऑफ क्विकली. नाउ प्ले सम म्यूजिक. सुपर हीरो सीन ऊपर से मैं मीन मामला सीन. हार्ट तोड़ के यही खोद के जमीन गाड़ तू कहीं. हार्ट लेके आ जा प्लान लेके आ जा प्लान. आई डोंट गिव अ डैम. हार्ट सोच तेरी जैम तेरा है वहम मिलेगा तो बैंग. तो बाय द वे मतलब इट इज लुकिंग वेरी गुड. मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से इट इज लुकिंग वेरी गुड बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इस तरह के फिल्में देख चुके हैं. मतलब इस तरह की फिल्में देख चुके हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत देख चुके हैं हॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में ये फर्स्ट टाइम होने वाला है ऐसा. सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम लाइक जो एफर्ट इन लोगों ने दिया इसके अंदर, बिकॉज बहुत लॉजिकल भी लग रहा है मुझे वो जिस तरह से उसको दिखाया गया है. I want to know the back story. या वो तो खैर हमें फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कि अगर उन्होंने बताया है इसमें तो कि बैक स्टोरी क्या है, who he was और क्या वो कैसे बनाया उसको, उसकी मर्जी ली गई बनाने में कि नहीं ली गई. एब्सोल्युटली. क्योंकि इसका बहुत सिमिलरिटी मुझे लगा एक फिल्म है विन डीजल की ब्लड शॉट करके, एंड उसके अंदर भी ऐसा होता है उसको वो लोग वो मर जाता है बट दोबारा उसको ठीक करते हैं, वो लोग उसको अपने तरह के सुपर सोल्जर बनाते हैं उसको. तो मुझे तो वो जिस हिसाब का क्योंकि ट्रेलर वन में दिखाया है कि ही वाज अ ह्यूमन बट ही देन द लेटर या उसको बनाते हैं बाद में. इसमें इस वाले ट्रेलर को देख के मुझे इट लुक्स लाइक यू नो इट गेव मी द वाइब ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको आयरन मैन वाला, आयरन मैन जो वॉइस उनके, बट
और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है कितने वो है जिम वाले शॉर्ट्स हैं बॉडी वाले बिकॉज़ ही हैज दैट काइंड ऑफ बॉडी जिसको वो शो ऑफ कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम देखा जाए तो एक्शन स्टाइलिश होते हुए भी बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि नकली है मतलब इट्स लाइक हाँ मतलब फाइट हो रही है तगड़ी वाली वो उस लेवल फाइट कर सकता है इस लेवल पे हाँ ये मैं बोल कि मेरे को ये लग रहा था कि दैट यू नो वो एक सुपर वाला कि ही इज नॉट द ह्यूमन वाला चीज का वो रखा है जैसे कि वो जंप भी है वो ही इज नॉट श्योर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बट उसने बोला कि नहीं नहीं हमें निकलना है सो इनिशिएटिव जंप करके तो दैट आई वांट टू लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच वो बॉलीवुड में किस हिसाब से बना रहे हैं ये कि उसका कितना से है क्योंकि मुझे जैसे वो जंप वाला सीन था उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ही वाज नॉट रेडी बट यू नो इट फुली प्रिपेयर्ड हाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे ये पार्ट वन है मूवी का भी पार्ट टू आएगा इसके बाद ऑब्वियसली बात है जैसे सबका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया है वो एक पार्ट में क्लियर हो ही नहीं पाएगा मतलब इट नीड्स टू थ्री मूवी आई गेस अब डिपेंड करता है कि ये कैसी बनती है उस हिसाब से टू थ्री इमेजिन But I think we should appreciate their effort and this is a genuine effort yeah. and we should be like we should watch this movie हर किसी को देखनी चाहिए ऐसी मूवी बिकॉज अगर हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करने लग गए और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट और मतलब मैं कहता हूँ अगर ऑडियंस को लगने लग गए ना अच्छे वी कैन मेक मोर मूवीज लाइक दिस मुझे लगता है कि इट्स अबाउट ऑडियंस को अच्छे लगने लगेंगे क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहली मूवी आपने बनाई और पहली वाली मूवी ही सुपर डुपर हिट हो गई वैसे मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा भले वो साउथ वाला और बॉलीवुड वाला दोनों को मिक्स करके भी अगर बात करें तो दे आर यू नो डूइंग इट मतलब देर आर डायरेक्टर्स जो इनिशिएटिव ले रहे हैं टू मेक सुपर ह्यूमन वाला मूवीज या फिर फिक्शन में या फैंटेसी में इस टाइप की जैसे मिन्नल मुरली हम लोगों ने देखी थी इट वॉज लाइक यू नो इट वॉज ग्रेट वो एक तो ग्राउंडेड भी थी और ऊपर से उन्होंने वो एक वो वाला भी दिखा दिया था दैट यू नो कि सुपर ह्यूमन है वो फैंटेसी वाला भी है तो वो वाला भी और इसको देख के मुझे वैसे ही लग रहा है कि मुझे इसमें ऐसा ही लग रहा है कि वो उड़ रहा है या ऐसा इट इज ऑल्सो थोड़ा सा ग्राउंडेड वाला टाइप का बट हाँ दैट्स द थिंग कि उसकी बॉडी को हार्म नहीं हो रहा तो उसकी बॉडी के साथ उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली क्योंकि गोली मारेंगे तो ह्यूमन है तो मरेगा बट उसको ऐसा क्या प्रोवाइड किया है जिससे वो इतने इजिली बम फेंक दे रहा है बिना किसी डर के दैट आई वॉन्ट टू नो So this was the trailer reaction of Attack. तो आपको ट्रेलर कैसे लगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर